सर्वदलीय बैठक में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार से कई सवाल किए। सोनिया गांधी काफी आक्रामक नजर आई, हालांकि सबने एक सुर में कहा कि वो चीन की रणनीति को लेकर सरकार के साथ हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चीन को ये चेतावनी है कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में चीन का नाम लेते हुए भारत का रुख साफ कर दिया। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं को गलवान में सेना की तैनाती के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है कि भारत को वो किसी भी क्षेत्र के अंदर कमजोर न समझे। आज भारत हर क्षेत्र के अंदर मजबूत भी है और सशक्त भी। भारत अपनी ओर उठने वाली हर आंख और हाथ को जवाब देने में आज सक्षम भी है। सर्वदलीय बैठक में करीब 17 पार्टियों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिसमें सोनिया गांधी काफी आक्रामक मोड में आईं। सोनिया ने सरकार से एक के बाद एक कई सवाल किए। सोनिया ने पूछा, चीन की सेना ने हमारे क्षेत्र में कब घुसपैठ की? क्या सरकार स्वीकार करेगी कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी है? 6 जून की इस बैठक में चीन से कूटनीतिक और राजनैतिक स्तर पर सीधे बात क्यों नहीं की? चीनी सेना की वापसी को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है? इससे पहले भी सोनिया ने चीन के घुसपैठ को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे। प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? सोनिया के सरकार पर निशाना साधने पर शरद पवार मोदी सरकार के बचाव में दिखे। सोनिया के सवालों पर एनसीपी अध्यक्ष ने संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखने की नसीहत दी। चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर तय होता है। हम सभी को संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। सीमा पर चीन के साथ विवाद को लेकर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए। अब देखना यह है कि क्या विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबों से संतुष्ट होती है या फिर पहले की तरह सवाल उठाकर उनको और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश करती रहेगी। उधर ममता बनर्जी ने भी कहा कि चीन के मुद्दे पर वो सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उद्धव ठाकरे चीन की इस हरकत से काफी उग्र नजर आए। उद्धव ने कहा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। चीन की आदत ही विश्वासघात की है। हमारी सरकार में ताकत है कि आंखें निकालकर हाथ में दे दे। मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने भी इस मौके पर एकजुट रहने की बात कही। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम दलों ने एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी भविष्य में फैसला लिया जाएगा उसका समर्थन करने की उन्होंने बात की। सवाल जवाब के बीच सारी पार्टियों ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के खिलाफ सारे दल एक साथ हैं और राजनीति से ऊपर उठकर चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।